अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अंजला, आप देख रहे हो आदुवासी के। आज का टॉपिक ये है कि बिना बुलावे के हमें किसी के यहाँ दावत में जाना चाहिए या नहीं, इस्लाम ने इसके लिए क्या इजाज़त दी है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम जा रहे हैं दावत में, किसी की दावत में जा रहे हैं, उसका दोस्त कहता है अरे मैं भी चलूं तो वो ले जाते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि बिना बुलावे के हमें किसी को ले जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपका बुलावा नहीं है तो आपको भी जाना नहीं चाहिए। इसके लिए इस्लाम ने बिल्कुल मना किया है, बिल्कुल मना किया है। अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं अपने साथ किसी को नहीं ले जा सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरी दावत है। और अगर आपको ले जाना है जिसके यहाँ दावत खाने जा रहे हैं, उससे ज़रा पूछ लें, इजाज़त ले लें। अगर वो कहता है कि हाँ आप ले आइए तो आप ले जाएं, अगर वो मना करता है तो आप उसे नहीं ले कर जाएंगे। ऐसा ना सोचें कि इतना लोगों की दावत है और एक लोग दो लोगों से क्या होगा। पहली बात तो हमें ले जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो आप समझ ही गए होंगे कि बिना बुलावे दावत में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।